ये लड़की मार देगी मुझे। उसका बाप पूछेगा तो क्या जवाब दूंगी? इतनी रात हो गई है, ये लड़की घर नहीं आई। आखिर कहाँ रह गई ये लड़की? ओहो, क्या हो गया? रास्ते में होगी, क्यों परेशान हो रही है? क्यों परेशान नहीं हूँ, हैं? और ऐसा कौन सा रास्ता है ये, हैं? जो खत्म ही नहीं हो रहा। ये लड़की पागल बना रही है हमें, मुझे तो मार के ही दम लेगी वो। हाँ इमली आंटी, देखें तो आपका ब्लड प्रेशर कितना हाई हो गया है। वेरी बैड, फौरन पीछे होकर लेट जाएं अब आप। आ लेने दो, आज बताती हूँ मैं उसे, बता रही हूँ मैं तुम्हें। उसके बाप ने तो कह दिया था जितनी भी सख्ती करना चाहो उसके साथ कर लेना। हाँ, अरे जब से वो जिंदगी में आई है तब से अजियतें दे रही है। हाँ, क्या उसके पैदा होने पर कोई प्रॉब्लम हुई थी मैंने आंटी? हाय, अरे अब क्या बताऊं तुझे, हैं? क्या पहले तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था मुझे कि या आप बचेंगी या आपकी बच्ची। उस बच्ची ने पता है क्या किया? पैदा होते ही सांस रोक ली थी अपनी। हाँ, डॉक्टरों ने तो उसे मुर्दा करार दे दिया था, उसके बाद उसने सांस ले ली। इतनी छोटी सी थी तब से ही ये लड़की ऐसी है। एमिनी आंटी, आप तो बहुत बाहिम्मत खातून है, और उसकी उम्र लंबी हो इसलिए आपने उसका नाम हयात ही रख दिया, क्या बात है। और हाँ, उसका एक एक्सीडेंट भी हो गया था जिसमें लोग समझे कि वो मर गई, लेकिन वो बच गई थी। हाँ। अच्छा, तो इस वजह से उसका नाम हयात है? हाँ, हमारे घर के सामने ही हुआ था। अच्छा खैर, ठीक है, मेरा सर फटा जा रहा है, मैं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। थोड़ा तेल से मालिश करती हूँ सर पे, शायद कुछ आराम आ जाए। हम आ गए। वो आ जाए तो बता देना। शुक्र है आ गई। या अल्लाह, हयात, ये तूने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? हयात, तूने क्या हाल बनाया हुआ है? ये मेरे ऑफिस के कपड़े हैं, मुझे उन्होंने पहनने के लिए दिए हैं। किस किस्म का ऑफिस है ये? अरे क्या हो गया? अम्मी, अम्मी जान, बेहोश हो गई है तुम्हें देखकर। भाई ये खुदा की कसम, वहाँ पे बहुत रो रही थी, मुझे तो तरस आ रहा था इस पे, और तुम हमदर्द बन के उसे यहाँ उठा लाए। भाई ये वहाँ अपने होशो हवास खो बैठी थी, ऐसी हालत में मैं क्या करता? सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थी, अजीब ड्रामे करती है ये लड़की भी। चलो देखता हूँ। ड्रामेबाज तो है। तुमने बहुत दुख दिए हैं मुझे। तुम्हारा उससे ताल्लुक हमारे रिलेशनशिप से पहले से था? एक बात सुन लो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे और मेरे बीच। और किसकी बात कर रही हूँ मैं, समझा नहीं? तुम्हारे बचपन की चाहत सोना। ये कैसे सोच लिया तुमने? ध्रुव ने मुझे सब बता दिया है। ध्रुव साहब, क्या आप इन्हें सच बताएंगे? नहीं भाई, अब मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकता। आप भी सच बता दें, आखिर वो लड़की आपके बचपन की चाहत है। दुरुक, मजाक मत करो, सच बताओ। भाई मैं सच ही तो बता रहा हूँ, भला इस मामले में मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? दुरुक, ठीक है, मैंने जो भी बोला वो सब झूठ था। असल में भाई की नजर तो सिर्फ तुम पर है। मानता हूँ मेरा ये तरीका कुछ गलत था, पर मेरे इरादे बिल्कुल नेक थे तुम दोनों के लिए, सच कह रहा हूँ। मैंने तो अपना फर्ज निभा दिया है, अब आप दोनों बैठ के आराम से बातें कीजिए। रुक, बाय। ये पी लीजिए। थोड़ा सा तो लेट हुई हूँ, इतना परेशान क्यों हो रही थी? देखो इस लड़की को, अभी भी पूछ रही है कि मैं परेशान क्यों हो रही थी। सही कहा, बिल्कुल सही। जॉब के पहले हफ्ते में ही घर देर से आना,
इतने महंगे महंगे कपड़े पहनना, एमिने आंटी कॉल करे तो मैं बिजी हूँ कह के रख देना, तो आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज है एमिने आंटी। देखो आईपिक, तुम आग में तेल डालने की कोशिश ना करो, और ना ही ये मजाक का वक्त है कोई। हयात को वैसे ही परेशानी हो रही है बात करने में। हयात, ऐसा किस लिए कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, अपनी माँ को ऑफिस आने से क्यों रोक रही हो? फरीदे आंटी, आप दोनों तो ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं कोई स्कूल की छोटी सी बच्ची हूँ। आप ही बताएं मैं क्या करती, ऑफिस का काम है वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ करती रहो तुम काम, लेकिन तुम्हारे बाबा ने कहा था कि जाके तुम उसके ऑफिस देख के आओ कि क्या काम करती है वो। सही ही कहते थे, मत भेजो इसे, मत भेजो, यहीं रहे ये। उस वक्त उनकी बात मान ली होती तो अच्छा होता, आज ये दिन नहीं देख रही होती। उन्होंने कहा था कि इस लड़की को यहीं किसी स्कूल में डाल दे, ये लड़की तेरे हाथ नहीं आएगी। मैं ही नहीं मानी। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं दोस्तों के साथ पार्टी में गई हुई थी और घूम कर आ रही हूँ। आधी रात को वापस आओगी तो क्या सोचूंगी मैं? हाँ बहुत ही जिद्दी लड़की है ये। अम्मी जान, मैं जिद नहीं कर रही हूँ आपसे, बस कुछ अच्छा करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी के लिए। अच्छा बुरा क्या है तुम जानती भी हो? हाँ क्या मुझे हक नहीं है कि मैं अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं? आपका दौर नहीं है अम्मी, वक्त चेंज हो चुका है। अब सिर्फ औरत का मकसद शादी करना और घर संभालना नहीं है। क्या मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद नहीं ले सकती? आपकी बेटी क्या चाहती है कभी ये सोचा है? एक बार तो ये पूछ लेती कि हयात तू क्या चाहती है। क्या कुछ गलत कह दिया मैंने इसे? आज मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं बहुत अपसेट थी ना, मगर अब ठीक हूँ। कॉफी पी लो, ये तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ तुम्हें तंग करने के लिए, बहुत ज्यादा। दीदम, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मगर दुरुक ने कहा ना। तुम क्या दुरुक को नहीं जानती दीदम? वो तो हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करता है। प्लीज मुझे बता दो ना, क्या वाकई वो बचपन से दोस्त है तुम्हारी? तुम फिर शुरू हो गई। अच्छा सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। क्या वो लड़की तुम्हारे बाबा के दोस्त की बेटी है? इससे क्या? तभी तो मैं सोच रही थी वो इतना मिसबिहेव क्यों करती है मेरे साथ, अमीरजादी है ना। तुम्हें अभी भी प्रॉब्लम है, जबकि उसने आज जान पर खेल के बचाने की कोशिश की तुम्हें। ऐसा बिल्कुल नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। तो फिर क्या था? तुम थे मुराद, उसने ये तुम्हारी तवज्जो हासिल करने के लिए किया। तुम नहीं समझोगे ये सब, बहुत चलाक होती हैं ये लड़कियाँ। खुदा के लिए बस भी करो। मेरा भी यकीन करना मुश्किल है, मगर वो एक बहुत चालबाज लड़की है। मैंने खुद उसे फोन पे बात करते सुना है, अपनी जीत की खबर दे रही थी किसी को। उसकी जीत का मतलब जो था वो तुम ही थे, इतना तो तुम भी समझते हो मुराद। वैसे कभी कोई झूठ नहीं छुपता, ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ।